अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अत्तापुर पुलिस की जानिब से सुलेमान नगर के इलाके में गश्त की, क्योंकि आए दिन जिस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं और जिस तरह से नशा किया जा रहा है, इसको नजर में रखते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। क्योंकि यहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बैठकर नौजवान लड़के नशा करते हैं, और पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कई लड़के पुलिस को मिले भी, लेकिन उनकी काउंसलिंग करके पुलिस की जानिब से छोड़ा गया है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि इतना शुभ होने के बावजूद कई लड़के फिर बाहर निकल रहे हैं और ऐसे जगहों पर बैठ रहे हैं। ये लड़कों के घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। अगर वो कहीं जा रहा है तो उसे पूछें कहां जा रहा है, और कहीं से आ रहा है तो पूछें कहां से आ रहा है। अगर उसमें अचानक तब्दीली नजर आई तो दरियाफ्त करें कि तब्दीली कहां से आ रही है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर आपके बच्चे को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह से ये हालत बन गए हैं। बहरहाल, पुलिस की जानिब से अब सख्ती की जा रही है, और कोई भी नशे में नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेखर अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। खेलने के वक्त खेलने वाला उधर खेलता है, इधर कहे क्या काम है? फोटो ले लो, पहले भी मैं आपको पकड़ लिया। इधर कहीं को गाड़ी रुकाओ, गाड़ियाँ। और एक गाड़ी किसका है? दूसरा दूसरा किसका गाड़ी है? मेरा भैया का।